जमनी ज्योतिष का जो कारक तत्व है वो बेसिकली ग्रहों की डिग्री के ऊपर पूरी तरह से ये है कि इसमें जो हाईएस्ट डिग्री और लोएस्ट डिग्री को देखा जाता है, जिसमें स्पेशली राहु केतु का कनेक्शन नहीं रहता, मतलब राहु केतु को अलग रखते हैं इससे। तो सबसे पहले जो पहला जो कारक तत्व होता है वो है आत्मा कारक। आत्मा कारक का मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति की आत्मा किस ग्रह से, किस ग्रह जैसी है, ठीक है, उस व्यक्ति की आत्मा किस ग्रह जैसी है वो देखा जाता है। जैसे कुंडली में किसी के भी कुंडली में कोई भी ग्रह राहु केतु को छोड़कर सबसे उच्चतम डिग्री में है, सबसे टॉप, जैसे 29 या 20s की डिग्री पे है, जैसे 28-25 इस डिग्री में है, तो वह आत्मा कारक ग्रह कहलाता है। अधिकतम डिग्री किसी भी राशि में जिस ग्रह के होते हैं वह आत्मा कारक ग्रह है। यह ग्रह कुंडली का मुख्य ग्रह है और इसे हम कुंडली के राजा की संज्ञा दे सकते हैं। आत्मा कारक ग्रह का बल और स्थान सामान्यतः कुंडली के बल को दर्शाता है। आत्मा स्वयं भौतिक स्वरूप और प्रथम भाव इसके कारकत्व कहलाते हैं। प्रथम भाव यानी जैसे कुंडली में हम लोग कैसा देखते हैं, नॉर्मल बेसिक कुंडली हमारा कैसा होता है कि हम देखते हैं कि पहला भाव जो है कुंडली का लग्न होता है। कुंडली का लग्न मतलब एकदम फर्स्ट शुरुआत जहां से हो रही है वो,